हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे असरदार उपाय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको घुंघराले बालों को सीधा करने का यानी कि बालों को स्ट्रेट करने का एक आसान सा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। यह नुस्खा आपके घुंघराले बालों को बिल्कुल ही सीधा स्ट्रेट कर देगा, साथ ही इसके इस्तेमाल से आपके बाल काफी खूबसूरत हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और सिल्की हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को जरूर क्लिक कर ले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाल घुंघराले होते हैं और वो अपने बालों को परमानेंटली स्ट्रेट करना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं। इसके लिए वो पार्लर में तरह तरह के ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं जिससे बाल काफी डैमेज हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। लेकिन मैं जो नुस्खा बता रही हूँ ये पूरी तरह से नेचुरल है, साथ ही इसके इस्तेमाल से आपके बाल सीधे होंगे यानी कि स्ट्रेट होंगे। इसके अलावा इससे आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बाल काफी सिल्की और स्मूथ भी होंगे, साथ ही इससे आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा चावल का आटा। आपको चावल का आटा लेना है। इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। इसमें लगभग 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर आपको मिक्स कर लेना है। मुल्तानी मिट्टी हमारी त्वचा के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। यह हमारे बालों को अच्छे से क्लीन करता है, साथ ही हमारे बालों को सिल्की बनाता है, स्मूथ बनाता है। अगर आप शैम्पू की जगह पर मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद फर्क नजर आएगा, आपके बाल काफी सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, साथ ही यह बालों को स्ट्रेट करने में भी काफी मदद करता है। इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है एलोवेरा जेल। आप चाहे तो एलोवेरा की ताजी पत्तियों से जेल निकाल करके इस्तेमाल में आप ला सकते हैं। अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है नारियल का तेल। लगभग 3 से 4 चम्मच इसमें नारियल का तेल आपको मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल हमारे बालों को खूबसूरत बनाता है, साथ ही यह हमारे बालों को शाइन देता है। आपको एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपका पेस्ट गाढ़ा हो तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और मिक्स करके स्मूथ पेस्ट आप तैयार कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने बालों में करें। इसे बालों में लगाने के बाद लगभग आधे घंटे से 45 मिनट के लिए आप लगा के छोड़ दें। उसके बाद अपने बालों को आप वॉश कर लें, शैम्पू आप अगले दिन करें। यह नुस्खा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कर्ली यानी कि घुंघराले बालों को सिल्की और स्ट्रेट करने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।